खबर खनिया थाना के वार्ड नंबर 8 नीम तलैया मोहल्ला से आ रही है, जहां एक 12 वर्षीय बालिका कुएं पर नहाने गई थी और परिजन खेत पर काम करने गए थे। बालिका के साथ 3 वर्षीय छोटी बहन भी गई थी। नहाते समय अचानक बालिका का पैर फिसल गया और अनियंत्रित होकर कुएं में जा गिरी, जिसके बाद छोटी बहन ने शोर मचाया। शोर सुनकर लोग वहां पहुंचे तो 3 वर्षीय बालिका ने रोते बिलखते हुए सारी बात बताई। तब तक बालिका पानी में डूब गई थी। फिर मोहल्ले वालों ने कुएं में कूदकर बालिका को बाहर निकालकर खनियाधाना स्वास्थ्य केंद्र लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मर कायम कर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। खनियाधाना से शिवकांत सोनी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? राजनीति जी। क्या घटना हुई? कुछ नहीं, हम सब गए थे ना सर को ही नया तो घर पानी अचने गई हुआ कछु हो गई हो ये पता नहीं है। फिर तो कुआ में गिर पड़ी। फिर बच्ची है थी तनक 3 साल की, तो उन कही पापा पापा जी जी गिर पा रही। फिर क्या हुआ? कुछ नहीं, फिर उसमें निकाली हुई है। हम तो बाद में आए थे, हमें तो निकली निकलाई मिली थी। तो हॉस्पिटल ले गए थे? हाँ हॉस्पिटल ले गए थे। मृत घोषित कर दिया डॉक्टर ने। अब यहाँ पे कब के बैठे हैं आप? यहाँ पे घंटा 2 घंटा हो जाए, 1.5 घंटा। तो डॉक्टर साहब क्यों नहीं आया अभी तक? बेहद यही नहीं है डॉक्टर साहब आ रहे हैं। डॉक्टर साहब क्या घटना घटित हुई है? सर काम था गए थे, सब बच्ची घर आई नहाने के लिए गई हुई है, सब काम वहाँ पे चल रहा है। कौन सी जगह की घटना है? नीम तलैया। बच्ची की उम्र कितनी है? 12 साल। और बच्ची के पिता का नाम क्या है? राम बाबू बेहरा। तो आपको कैसे पता चला था? छोटी बच्ची थी और वो आई गाँव मानने सुबह नहीं मिली घर, छोटी बच्ची आई कि दीदी घर पर ही गाँव से, फिर सब आदमी दौड़ पड़े इकट्ठे से, फिर उसको बाहर निकाला। पुलिस को सूचना दी? अस्पताल लगा, अस्पताल में मृत्यु से उसको सूचना दी। फिर यहाँ पीएम के लिए लाए? कब के बैठे हैं यहाँ पे? 1 घंटा हो गया। फिर डॉक्टर साहब नहीं आए? आ रहे।